बच्चों को हम लोग प्रथम बार देखिए घर कितना कच्चा आ रहा है। मोटरसाइकिल चोरी कर मोटरसाइकिल बेचने वाला एक चोर को सेक्टर 6 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद बोकारो एसपी ने चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। आदेश के आलोक में सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने निर्देश अनुसार थाना प्रभारी अनिल कच्छप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम द्वारा टीवी टावर सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने के क्रम में मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया तथा जिसकी निशानदेही पर पूर्व में चोरी की गई एक और मोटरसाइकिल को जब्त किया। देखिए पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा हम लोगों को लगातार मोटरसाइकिल चोरी और विभिन्न चोरी के विरुद्ध छापामारी और कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए जा रहे थे। उसी दरमियान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम का लीडर मुझे बनाया गया और इस छापेमारी दल में मेरे साथ सशस्त्र बल को लेकर चोरी की मोटरसाइकिल जो है बेचने के लिए जो अपराधी गतिविधि के लोग यहां से ले जा रहे थे, तो हमने छापेमारी किया और वो टीवी टावर चौक जो हमारे थाना क्षेत्र में है वहाँ से हमने छापमारी करके एक भोला डोम उर्फ भोला राम, जिनका ऊपर आपराधिक इतिहास रहा हुआ है और मोटरसाइकिल चोरी में पूर्व में भी हरला थाना से जेल गया हुआ है, इनको हमने रंगे हाथ पकड़ा और इनके साथ इनके निशानदेही पर भरत प्रसाद महतो जो महुदा थाना क्षेत्र के रहने वाला है उनके साथ इनको एक साथ पकड़ा गया। इनके निशानदेही पे इनके आलोक में निशानदेही पे पकड़ा गया और जिस मोटरसाइकिल का चोरी का कांड सेक्टर सिक्स थाना में पूर्व में प्रतिवेदित किया गया है। बरामदगी आप कल 4 तारीख को वह है। बरामदगी सामान में है एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है JH09U7880 और एक मोटरसाइकिल जिसे बेच दिया गया था होंडा साइन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है JH09AA5412। यही है आप क्या कर रहे हैं। छापामारी दल में हमारे साथ थे सिटी थाना प्रभारी श्री संजय कुमार जी और हमारे साथ थे यहाँ के पुलिस निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर भीमराम और सानी अभिमन्यु प्रसाद और सशस्त्र बल की टीम थी। इन्हीं लोगों के द्वारा हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है।